नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी आरएस अग्रवाल बुक की जो लेसन मैसेज की एक्सरसाइज है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये एलसीएम एंड एचसीएफ का पांचवा पार्ट है जिसमें मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 48 तक क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 49 को बोर्ड पर लिख दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। प्यारे बच्चों, अगर 12 से भाग देंगे तो शेषफल 7 बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 10 बचेगा और 16 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। आप लोग बच्चों, मैं आप लोगों को डेली ये बात बताता हूं कि वीडियो को पूरी देखा करो, तभी आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो, असल में इसने कहा क्या है कि भाग जो देनी है वो हमें 12, 15 और 16 से देनी है, और जब भाग दे देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो हमारा 7, 10 और 11 बचेगा। पहले आप इन्हें माइनस कर लेंगे, 12 में से 7 गए तो कितने बचे 5, और 15 में से 10 गए तो कितने बचे 5, और 16 में से 11 गए तो कितने बचे 5। प्यारे बच्चों, जब भी कोई ऐसा सवाल हो कि हर संख्या से भाग देने पर शेष अलग बच रहा हो और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करा रही हो, तो पहले जिससे भाग दिए है और जो शेष बचा है उनका सबका अंतर निकाल लेते हैं। अगर वो डिफरेंस बराबर आ जाता है तो आप क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 12, 15, 16 का एलसीएम और माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। और जो भी इसका एलसीएम आएगा 12, 15, 16 का जो एलसीएम अगर आप निकालेंगे, एलसीएम तो आप लोग निकालना जानते ही हैं, तो इसका एलसीएम प्यारे बच्चों 240 आएगा, और माइनस कितना करना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 235, 235 यही आपका आंसर होगा। एलसीएम आप निकालना जानते ही हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों के पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 49 के। जैसे मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन नंबर 50, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 25, 35 तथा 40 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचते हैं, अर्थात जब 15 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेंगे, 25 से देंगे तो 17 बचेंगे, और 35 से देंगे तो 27 और 45 से देंगे तो 37। अब अगर हम ऐसे ही भाग और शेष निकालेंगे और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो प्रत्येक के बीच का डिफरेंस 8 आएगा, तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी 15, 25, 35, 40 का एलसीएम माइनस के 8। आप इसे कर देंगे क्वेश्चन नंबर 49 को, और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 49 तो मैंने ही कर दिया, 50 आप कर देंगे। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से, बच्चे ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, आप लोग इसे गलत कर सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीजें चेंज हुई है यहाँ पर, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसने कहा वह बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन नंबर 51, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या 20, 28, 35, 20, 28, 32,
तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या कट जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब भी ये कहते हैं कि पूर्णतः कट जाए तो हम वहां पर प्यारे बच्चों एलसीएम निकालते हैं और वही हमारा आंसर भी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है या बड़ी के स्थान पर क्या होता छोटी से छोटी, तो हम क्या करते बच्चों इसका निकालते एलसीएम, और जो एलसीएम आता उस एलसीएम की भाग हम इसमें देते, और देने के बाद में जो भी शेषफल बचता वही हमारा आंसर होता। लेकिन पहले बच्चों इसने कहा वह बड़ी से बड़ी, अगर छोटी से छोटी कहता है परीक्षा के अंदर, तो आप इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, और जो भी आपका एलसीएम आएगा उस एलसीएम को प्यारे बच्चों इसमें से भाग दे देंगे, और जो भी शेषफल बचेगा वह शेषफल ही क्या होगा आंसर। लेकिन जब भी बड़ी से बड़ी कहेगा तो प्यारे बच्चों आप इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को 5834 में से माइनस कर देंगे, और जो भी संख्या प्राप्त होगी वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो अभीष्ट संख्या बराबर 5834 माइनस 20, 28, 32 एंड 35 का एलसीएम। अब प्यारे बच्चों 20, 28, 32, 35 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 1120 आएगा। तो 5834 माइनस के 1120, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4714। आप समझ गए होंगे, जो बात समझने की थी वो मैंने आपको कई बार बोल के समझा दी है, ध्यान से समझ में, क्योंकि बड़ी से बड़ी कहा है यहाँ पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 51 भी हो गया, अभी हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 12, 15, 18 और 27, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः कटे या विभक्त हो, बातें की है। उन्होंने कहा चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। पहले बच्चों पहले यहां देखेंगे कि माना चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बच्चे आप लोग छोटी क्लास में सीखे होंगे जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है जितने अंकों की निकालनी होती है उतने ही क्या लिख देते हैं, नहीं उतने ही नो लिख देते हैं। लेकिन यहां समस्या यह है कि अगर परीक्षा में पूछा जाता चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी तो आंसर ये, लेकिन इसने कहा कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इतने इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः कटे। इसका मतलब अभी 12, 15, 18 और 27 का क्या निकालेंगे आप एलसीएम। जब 12, 15, 18, 27 का आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 540। जब 540 आएगा, हाँ एक जुगाड़ और भी है इसका, वो जुगाड़ यही है कि आप चारों ऑप्शन देख लो और उन चार अंकों में, चार ऑप्शन में जो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो उन्हें अलग अलग इनसे काट के देख लो। लेकिन उसमें यह है कि आपको विभाजित होने के सारे नियम याद हो, जो मैंने एक बार आपको वीडियो में समझाए भी थे, दो से विभाजित होने का नियम, तीन से विभाजित होने का नियम।
अब अगर हम 500, ये लॉजिक है, 540 की किसमें भाग देंगे, 9, 9, 9 में, तो 540 से कम यहां 9 बचे, यहां 5 बचे, अब ये 9 ऐसे ही उतार दिए क्योंकि ये तो 459 तो शेष बचे। यहां पर अगर अब हम 8 बार भाग देते हैं तो 800 8 5 40 की 8 5 40 की सॉरी 8 4 32 का 2 का हासिल लगे 3 और 8 5 40 और 3 43 क्या बचे 9, यहां क्या बचा 7 और यहां क्या बचे 2, ये अभी शेष बच गया 279। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 999 माइनस 279, जो शेष बचा उसे काट दो। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो जब इसे आप माइनस करेंगे तो 9720 ही आपका क्या होगा आंसर। कई बार 3 अंकों की भी कह सकता है, 5 अंकों की भी कह सकता है, 5 की कहता तो 5 9 लेने पड़ेंगे, तरीका यही रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 53 भी करेंगे, बिल्कुल इसी ही तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा क्योंकि उसमें एक स्टेप और आगे हमें चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसने कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर, जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। बच्चे अगर ये वाली बात ना होती तो मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप अपने आप ही कर देते। आपको पहले वही क्या करना होगा, माना 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9 9 और 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये आ गई। अब हम 6 9 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम, अगर आप देखेंगे 6 9 12 का एलसीएम कितना आएगा 36। एलसीएम निकालना अब हम सीख चुके हैं, अब हम 36 की भाग किसमें देंगे 9 9 9 में, तो 36 2 9 72, यहां कितने बचे प्यारे बच्चों 7 और यहां बचे 2 और उतार लिया 9 का। अब हम 36 की भाग 279 में देंगे तो आपका ये 7 बार जा सकती है, 3 7 3 6 18 का 8 का हासिल लगा, सॉरी 7 6 42 का 2 का हासिल लगे 4 और 7 21 21 और 4 25, यहां कितने बचे 7 और यहां कितने बचे 2, अभी आपका कितना बचा 27। तो अभीष्ट संख्या बराबर, अब आप क्या लिख देंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 999 माइनस 827। हम यही आंसर मान लेते लेकिन इसने यहां पर 3 शेष की भी तो बात कही है। अब आप इसे देखेंगे 7 में से 9 में से 7 में कितने बचे 2, 9 में से 2 में कितने बचे 7 और ये 9 का 99, लेकिन इसने यहां पर 3 शेष भी कहा है,
इसीलिए इसमें तीन और ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 975, यही होगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 53। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है पहले बच्चों 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, वो भी बिल्कुल थोड़ा अलग ही सवाल है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह 54, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे, 6 तथा 5 शेष बचे। देखो बच्चों, उसने कहा बड़ी से बड़ी, आप लोगों को अगर फर्स्ट डे की क्लास याद हो, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकलवाएगा तो प्यारे बच्चों वहां पर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकलवाएगा तो वहां पर महत्तम समापवर्तक हमें निकालना होता है। ये कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, अगर इसमें भाग देता हूं तो 6 शेष बचे और यदि इसमें भाग देता हूं तो 5 शेष बचे। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप ऐसे निकालेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 1657 माइनस के 6 और 2037 माइनस के 5 का मैसेज अर्थात एस। अब 1657 में से 6 जाएंगे तो 1651 और 2036 में से 5 जाएंगे तो 2031 आपके बचेंगे। अब इनका क्या निकालना है आप लोगों को? महत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों मैं इनका महत्तम समापवर्तक आप लोगों को निकालना पहले ही सिखा चुका हूं, टुकड़े काटने पड़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों आज यहां पर एक नई ट्रिक आप लोगों को मैं एक्सेप्ट निकालने की सिखाता हूं। जब संख्याएं थोड़ी बड़ी हो और जैसे ये ना तो 2 से कट रही है ना 3 से, समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पर एक ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं, अंतर वाली ट्रिक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। आप इन दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है कि छोटी संख्या से बड़ी में भाग दो, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ये वाली ट्रिक अगर आप सीखेंगे तो इससे समय थोड़ा कम लगेगा। आप इन दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर। जब आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इसमें आप लोग इन दोनों को घटा लेंगे और घटाने के बाद दोनों के क्या करेंगे आप? फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने पर आपका बच्चे यहां पर एक गलती हो गई है, 2037 था, 36 की जगह 37 करेंगे तो यहां पर 32 आएगा। अब जब इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर आएगा आपका 381। अब इस 381 के अंतर के देखो, यहां से 2 से 1 गया, 1 बचा, यहां कितने रह गए अभी 381 के आपको क्या करने होंगे? फैक्टर करेंगे। जब 381 के 2 फैक्टर करो तो जैसे अगर हम इसे 3 से काट रहे हैं, 3 से काट लो, या तो और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, इसके फैक्टर आएंगे 3 गुणा 127। अब इन दोनों में जो भी अभाज्य संख्या हो और बड़ा फैक्टर हो, 127 अभाज्य संख्या भी है और दोनों में है तो ये भी अभाज्य, लेकिन इन दोनों में जो बड़ा फैक्टर होगा वही क्या होगा आपका? आंसर मान्य होगा। इसका आंसर आएगा 127। अभी मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ लेके चलता हूं। 55 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है
जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रम से 11 तथा 13 शेष बचे। तो जैसे यहां पर बच रहे थे बिल्कुल वही है, तो आप क्या करेंगे 3026 में से माइनस करेंगे 11 और 5053 में से माइनस करेंगे 13 और उनका क्या निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक बिल्कुल भागफल विधि से ही निकाल देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 को आप देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 तथा 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभक्त कर दे। तो प्यारे बच्चों ये सवाल तो बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसको तो हम पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। इसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 तथा 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त। अगर आप लोगों को याद हो तो ये फर्स्ट पार्ट में ही हमने सीखा था कि चाहे तो डायरेक्ट परीक्षा में ये पूछ ले आपसे कि 147, 168, 210 तथा 315 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, और चाहे परीक्षा में आपसे यह पूछ ले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः काट दे। क्या निकालेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 147, 168, 210 और 315 का क्या निकालेंगे, एचसीएम। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 57 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये सवाल थोड़ा अलग है बच्चे, 56 अपने आप करेंगे आप। 57 की बात हम करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे जिससे 187, 233 तथा 187, 233 तथा 279 को भाग देने पर समान शेष बचे। ध्यान देंगे, समान शेष बचे। थोड़ा सा अंतर है इसमें और इससे पहले वाले क्वेश्चन में। वहां कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे इतने 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभक्त कर दे। तो वहां हमें केवल क्या निकालना था प्यारे बच्चों, एचसीएम। यहां उसने कहा प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। हाँ, कई बार क्या करता है वो कह देता प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो आप क्या करेंगे, अगर प्रत्येक दशा में यहां 5 शेष मान के चलो कह देता तो यहां भी 5 माइनस, यहां भी 5 माइनस और यहां भी 5 माइनस, और इनका क्या निकाल देते आप, एचसीएफ निकाल देते। लेकिन जब समान शेष की बात करेगा तो दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी और तीसरी में से पहली संख्या माइनस करके क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ। अभीष्ट संख्या बराबर 233 माइनस 187
279 माइनस 233 तथा 279 माइनस के 187 का एचसीएफ। देखो इन तीनों को जब भी समान शेष कहेगा तो दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी और तीसरी में से पहली माइनस करके क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। अब अगर हम दूसरी में से पहली निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या आता है आपका 46, और यहां भी क्या आता है 46, और यहां क्या आता है 92 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। यहां तो साधारण या तो अंतर से निकाल दो चाहे तो सीधा भी निकलना है, 40 से कम 40, 40 से कम 40, दोनों 92, तो क्या आंसर आ गया 46, यही क्या होगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 57। अभी क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को ये बात आपको बता दी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, तो प्रत्येक में से क्या निकालेंगे, 12 माइनस करेंगे और उसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 59 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 41, 31 और 51 शेष बचे, तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, पहले 964 में से 41 माइनस करेंगे, 1238 में से 31 माइनस करेंगे और 1400 में से 51 माइनस करेंगे, और जो भी माइनस करने के बाद आएगा उसका क्या निकाल देंगे, महत्तम समापवर्तक। अब क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करना, तब तक के लिए धन्यवाद।